आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में नियम कायदों को बलाए ताक पर रख कर काम किया जा रहा है। सिवनी जिले के सांसद और विधायक जिन्हें इन नियम कायदों के हिसाब से काम करने के लिए अधिकारियों को पाबंद करना चाहिए, वे भी इस मामले में पूरी तरह उदासीन ही प्रतीत हो रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। दरअसल छिंदवाड़ा चौक में छिंदवाड़ा मार्ग पर स्थित तिवारी होटल के पीछे एक झोलाछाप चिकित्सक, दंत चिकित्सक है, उसके द्वारा दांत के दर्द का उपचार करने के लिए एक मरीज जो उनके पास पहुंचा था उसका मरीज की हड्डी को फ्रैक्चर कर दिया गया। जब उक्त मरीज के द्वारा किसी अन्य दंत चिकित्सक से जांच कराई गई, उसे दिखाया गया, तब चिकित्सकों ने गलत उपचार किए जाने की बात मरीज को बताई। पीड़ित छिंदवाड़ा जिले के चौरई थाना क्षेत्र में माचीवाड़ा ग्राम का निवासी रमेश प्रसाद सनोडिया के द्वारा इस मामले की शिकायत जिला कलेक्टर, CMHO, जिला पुलिस अधीक्षक सभी को की है। पीड़ित ने ये बताया कि वह शहर में टेलरिंग का काम करता है, उसे दांत में कुछ माह से दर्द हुआ और वो एक दांत के चिकित्सक के पास, जो तिवारी होटल के पीछे कहीं उसका क्लिनिक है, उसके पास गया। जब उसके द्वारा उपचार किया गया तो लगभग 2,00,000 रुपये खर्च करने के बाद भी उसे कोई आराम नहीं मिला। जब वो दूसरे चिकित्सक के पास पहुंचा तो दूसरे चिकित्सक ने उसको बताया कि उसकी हड्डी में फ्रैक्चर हो चुका है। ये वाकई बहुत गंभीर बात है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट। इस तरीके के झोलाछाप चिकित्सकों को पर अंकुश लगाने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को कदम उठाने चाहिए। सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय में पदस्थ सिविल सर्जन को कदम उठाने चाहिए, पर विडंबना ही कही जाएगी कि दोनों ही अधिकारी इस मामले में पूरी तरह खामोश दिखाई दे रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो ये अभी हमने आपको ये बताया कि एक मरीज का दांत में दर्द था और उसके दांत का दर्द ठीक करने के बजाय उसके हड्डी में ही फ्रैक्चर कर दिया गया झोलाछाप चिकित्सक के द्वारा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को CMHO कार्यालय के सूत्रों ने ये बताया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि जो लिपिक इस पूरे प्रभाग को देख रहे हैं, जो झोलाछाप चिकित्सकों पर कार्रवाई करने वाला प्रभाग है जिसको वो देख रहे हैं, उनकी कार्यप्रणाली बहुत संदिग्ध है, इसलिए सिवनी में झोलाछाप चिकित्सकों की पौबारा है। आइए हम सुनते हैं, आपको भी बताते हैं कि दरअसल वास्तविकता क्या है, क्या कह रहे हैं पीड़ित। बोल। मैं रमेश सनोडिया माचीवाड़ा में रहता हूँ। मेरा इलाज यहाँ तिवारी होटल के पीछे सूर्यवंशी डॉक्टर है उसने किया। तो डेहरी जब गया मैं तो उनने बोला कि सूजन है, 2 दिन बाद आना। जब मैं गया तो उनने दांत निकाला, तो दांत निकालने के 8 दिन बाद मैंने उनको फ़ोन लगाया, घाव नहीं भरा। तो उनने एक बार बोला है दवाई दिए। फिर एक बार फिर आया मैं, फिर घाव नहीं भरा था। तो फिर एक बार फिर बुलाए उन्होंने, फिर दवाई दिए। इतने में अचानक पीछे के जो 2 दांत थे मेरे वो आपस में चिपक गए। फिर मैंने डॉक्टर साहब के पास आया तो उन्होंने बोला कि छिंदवाड़ा जाके एक्सरे करवा। मैं छिंदवाड़ा गया तो वहाँ 15 दिन लग गए कम से कम आने जाने। फिर 15 दिन बाद डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट देख के बोला कि आपकी हड्डी गलने लगी है फ्रैक्चर के कारण। तो उन्होंने बोला कि आप नागपुर देखवा लो करके मेडिकल में, नागपुर या जबलपुर।
जब मैं नागपुर गया तो वहाँ 1.5 लाख रुपए का खर्च बताया, तो मैंने वहाँ इलाज नहीं करवाया, फिर जबलपुर में इलाज करवाया, तो उसमें लगभग मेरे को 2 लाख रुपए का खर्च आ गया। ये आवेदन किस किस को दे रहे हो? अभी तो सर पुलिस अधीक्षक को दिया हूँ मैंने, और अभी CMHO को देना है, और एक क्या नाम है इसमें कलेक्टर साहब को देना है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के YouTube को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में YouTube टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर YouTube का ऐप है तो YouTube खोल लीजिए। YouTube खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए, सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे, ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप खोल, जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका YouTube का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोस, प्लेलिस्ट, सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।